जालिमों से लड़ती भीम की रमाई थी। मजलूमों को बढ़ के जो आंचल उढ़ाई थी, जाति धर्म चक्की में पीसते अवाम को, दलदल में डूबते समाज को बचाई थी। एक एक पैसे से भीम को पढ़ाई थी, मेहनत मजदूरी से जो भी जुटाई थी, गोबर इकट्ठा बना कंडी के उपले, बाजारों में बेच कैसे घर को चलाई थी। अमेरिका से लंदन, बैरिस्टर से डॉक्टर, हौसला हर मोड़ पर रमाई बढ़ाई थी। भूखे पेट बच्चे कुपोषित ही मर गए, जब रोटी न पैसा न घर में दवाई थी। तड़पते मरते गए गोद में यू लाल सभी, खुशी की उम्मीदों संग कैसे जुदाई थी। भूखी प्यासी जो बीमार कई रात रही, माँ ने लोगों के लिए खुद को मिटाई थी। रमा के आंसू में भीम विदेशों में बैठे थे, मगर इस तूफान में भी कश्ती चलाई थी। विद्वान हो महान भीम, रामू न भूल सके, तन और मन से जो उनकी सगाई थी। खून और पसीने से सींचती थी क्यारियाँ, हंसते चमन की कली जो मुरझाई थी। एक तरफ फुले सावित्री थे साथ लड़े, बागी भीम साथ वैसे मेरी रमाई थी। माता रमाबाई भीमराव अंबेडकर। माता रमाबाई अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र के दापोली के निकट वानाड गांव में 7 फरवरी 1898 में हुआ था। उनके पिता का नाम भीकू वालंगकर था। रमाबाई के बचपन का नाम रामी था। रामी के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। रामी की दो बहनें और एक भाई थे। उनके भाई का नाम शंकर था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण रामी और उनके भाई बहन अपने मामा और चाचा के साथ मुंबई में रहने लगे थे। रामी का विवाह 9 वर्ष की उम्र में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से सन 1906 में हुआ था। बाबा साहब की उम्र उस समय मात्र 14 वर्ष थी, तब वह 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। शादी के बाद रामी का नाम रमाबाई हो गया था। भले ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पर्याप्त अच्छा वेतन मिलता था, परंतु फिर भी वह कठिन संकोच के साथ व्यय किया करते थे। वह परेल मुंबई में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चाल में एक मजदूर मोहल्ले में 2 कमरों के मकान में रहते थे। वह वेतन का एक निश्चित भाग घर के खर्चे के लिए अपनी पत्नी रमाबाई को देते थे। माता रमाबाई जो एक कर्तव्य परायण, स्वाभिमानी, गंभीर और बुद्धिजीवी महिला थी, घर की बहुत ही सुनियोजित ढंग से देखभाल करती थी। माता रमाबाई ने प्रत्येक कठिनाई का सामना किया। उन्होंने निर्धनता और अभावग्रस्त दिन भी बहुत साहस के साथ व्यतीत किए। माता रमाबाई ने कठिनाइयां और संकट हंसते हंसते सहन किए, परंतु जीवन संघर्ष में साहस कभी नहीं हारा। माता रमाई अपने परिवार के अतिरिक्त अपने जेठ के परिवार की भी देखभाल किया करती थी। रमाबाई संतोष, सहयोग और सहनशीलता की मूर्ति थी। बाबा साहब प्राय घर से बाहर ही रहते थे। वे जो कुछ कमाते थे उसे वे रमाबाई को सौंप देते और जब आवश्यकता होती उतना मांग लेते थे। रमाबाई घर खर्च चलाने में बहुत ही किफायत बरतती और कुछ पैसा जमा भी करती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत होगी। रमाबाई सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति की गृहिणी थी। उन्हें पंढरपुर जाने की बहुत इच्छा रही। महाराष्ट्र के पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी का प्रसिद्ध मंदिर है, मगर तब मंदिरों में अछूतों के प्रवेश की मनाही थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रमाबाई को समझाते थे कि ऐसे मंदिरों में जाने से उनका उद्धार नहीं हो सकता जहाँ उन्हें अंदर जाने की मनाही हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब अमेरिका में थे उस समय रमाबाई ने बहुत कठिन दिन व्यतीत किए। रमाबाई ने यह कठिन समय भी बिना किसी शिकवा शिकायत के बड़ी वीरता से हंसते हंसते काट लिए। बाबा साहब प्रेम से रमाबाई को रमो कहकर पुकारा करते थे। दिसंबर 1940 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पुस्तक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान लिखी, वह पुस्तक उन्होंने अपनी पत्नी रमो को ही समर्पित की। समर्पण के शब्द इस प्रकार थे, मैं यह पुस्तक रमो को उसके मन की सात्विकता, मानसिक सद्वृत्ति, सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ दुख झेलने में अभाव और परेशानी के दिनों में, जबकि हमारा कोई सहायक न था, अति सहनशीलता और सहमति दिखाने की प्रशंसा स्वरूप भेंट करता हूँ। उपरोक्त शब्दों से स्पष्ट है कि माता रमाई ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का किस प्रकार संकटों के दिनों में साथ दिया और बाबा साहब के दिल में उनके लिए कितना सत्कार और प्रेम था।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब अमेरिका जा रहे थे तो माता रमाबाई गर्भवती थी। उनके जाने के बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, परंतु बाल्यावस्था में ही उनका देहांत हो गया। बाबा साहब के लौटने के बाद उन्होंने एक अन्य पुत्र गंगाधर को जन्म दिया, परंतु उनका भी बाल्यकाल में देहावसान हो गया। उनके एक लौते बेटे यशवंत ही थे, परंतु उनका भी स्वास्थ्य खराब रहता था। माता रमाबाई यशवंत की बीमारी के कारण हमेशा चिंता में डूबी रहती थी, परंतु फिर भी वह इस बात का पूरा ख्याल रखती थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कामों में कोई विघ्न न आए और उनकी पढ़ाई खराब न हो। माता रमाबाई अपने पति के प्रयत्न से कुछ लिखना पढ़ना भी सीख गई थी। साधारणतः महापुरुषों के जीवन में यह एक सुखद बात होती रही है कि उन्हें जीवन साथी बहुत ही साधारण और अच्छे मिलते रहे। बाबा साहब भी ऐसे ही भाग्यशाली महापुरुषों में से एक थे, जिन्हें रमाबाई जैसी बहुत ही नेक और आज्ञाकारी जीवन साथी मिली। रमाबाई प्राय बीमार ही रहती थी। बाबा साहब उन्हें धारवाड़ भी ले गए, परंतु कोई अंतर न पड़ा। बाबा साहब के 3 पुत्र और 1 पुत्री देह त्याग चुके थे। बाबा साहब बहुत उदास रहते थे। 27 मई 1935 को उन पर शोक और दुख का पर्वत ही टूट पड़ा। उस दिन नृशंस मृत्यु ने उनसे उनकी पत्नी रमाबाई को छीन लिया। 10,000 से अधिक लोग माता रमाबाई के परिनिर्वाण में शामिल हुए थे। बाबा साहब का अपनी पत्नी के साथ अगाध प्रेम था। बाबा साहब को विश्वविख्यात महापुरुष बनाने में रमाबाई का ही साथ था। रमाबाई ने अति निर्धनता में भी बड़े संतोष और धैर्य से घर का निर्वाह किया और प्रत्येक कठिनाई के समय बाबा साहब का साहस बढ़ाया। उन्हें रमाबाई के निधन का इतना धक्का पहुंचा कि उन्होंने अपने बाल मुंडवा लिए। वह बहुत उदास, दुखी और परेशान रहने लगे। वह जीवन साथी जो गरीबी और दुखों के समय में उनके साथ मिलकर संकटों में जूझता रहा था, और अब जब कि कुछ सुख पाने का समय आया तो वह सदा के लिए बिछड़ गया। आज हमारी महिलाओं, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति समुदाय से हो, उनको रमाबाई पर गर्व होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में उन्हें बाबा साहब का मनोबल बढ़ाए रखा और उनका साथ देती रही, खुद अपना जीवन कष्ट में बिताए रखा और बाबा साहब की मदद करती रही। आज अगर भारत की महिलाएं आजाद है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ माता रमाई को ही जाता है।